और वहीं होडल में टोल प्लाजा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने आपको बताया कि धरना देने की घोषणा की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा, जब गतपुरी टोल प्लाजा पर 6 गांवों को टोल मुक्त कर दिया गया है तो 20 किलोमीटर तक के गांवों के लिए 200 रुपए का मासिक पास देने का ऐलान किया गया है। होडल टोल प्लाजा पर भी ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर यहाँ भी टोल मुक्त नहीं किया गया तो वो टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। टोल मैनेजर सन्नी पवार ने कहा कि उनके पास अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है, अगर आदेश आएंगे तो यहां भी टोल फ्री की सुविधा दे दी जाएगी। जो शर्त वहां पिछले पर रखी गई वही यहाँ होटल में होनी चाहिए, और इसमें हमारे होटल और आसपास के गांवों के लिए कोई राहत प्रदान नहीं की है। पता लगा है कि ये 315 रुपए में पास बन रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसके बारे में बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो यहाँ भी आंदोलन छेड़ने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि भाई जिस तरह से वहाँ पर 200 रुपये रखा गया है, यहाँ पर भी 200 रुपये रखा जाए, और जो 5 किलोमीटर के दायरे में है जो गांव उनको फ्री उनको पास दिया जाए। हमारा होटल शहर करमन बलवाना गढ़ी बेड़ा ये सब 5 किलोमीटर के दायरे में, बल्कि बंचारी तक भी। स्थानीय निवासी जो 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, 20 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत आते हैं, जो जिला पलवल जिला मथुरा के 173 गांव हैं, और उनको सभी को 315 रुपए का मासिक पास दिया गया है, जिसमें वो अनलिमिटेड ले सकते हैं।